हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वप्न एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेंटल एक्सपर्टीज। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी डेंटल एग्जाम पेपर 2018 का पार्ट टू। अभी तक बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको टाइम से मिलता रहे नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बेनिन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इन इंटरनल ऑर्गन इज। तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग होती है बेनिन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन में, किस क्लिनिकल कंडीशन का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो इसका आंसर है पर्प्यूरा। इसमें क्या होता है कि कैपिलरीज जो है वो डिफेक्ट हो जाता है उनमें, मीन्स कैपिलरीज एबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं जिसके कारण ब्लीडिंग होने लगती है बेनिन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन्स में। इस कंडीशन को कहते हैं पर्प्यूरा। पर्प्यूरा जो है वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को इडियोपैथिक भी बोलते हैं, जो कि मोस्टली किसमें दिखता है, सीन इन चिल्ड्रन, जो कि हेरिडिटरी होती है। ओके, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी, जो कि कब दिखता है, ड्यू टू सम एलर्जीज। और डायग्नोसिस कैसे की जाती है, बिकॉज इसमें ब्लीडिंग टाइम जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, तो क्लिनिकल कंडीशन जो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग बेनिन द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इंटरनल ऑर्गन में दिखाई देगी, ये कौन सी कंडीशन कहलाएगी, पर्प्यूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज नोन एज। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल्स इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड करने की मेथड क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है इसे ECG या EKG भी बोलते हैं, जो कि रिकॉर्ड करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम द हार्ट टू चेक फॉर डिफरेंट हार्ट कंडीशंस। तो इसमें क्या होता है, बॉडी में 10 इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं, बॉडी में मींस चेस्ट में 10 इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं टू रिकॉर्ड द हार्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं वो एक वेव के जैसे दिखाई देते हैं, जो कि कहाँ पर दिखाई देते हैं, इन द मॉनिटर और प्रिंटर में। ओके, तो उसमें क्या होता है, ये मैं आपको पिक्चर में शो करती हूँ, उसमें होती है पी वेव, यहाँ आपको दिखाई देगा पी वेव यहाँ। ओके, तो पी वेव जो है वो क्या शो करता है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन, और ये है क्यू वेव। ओके, तो ये पी से क्यू तक का जो इंटरवल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ द टाइम विच टेक्स फॉर द आर्टेरियल केक टू फिल द वेंट्रिकल्स, मतलब वेंट्रिकल्स को फिल करने के लिए जो टाइम लगता है उस वो शो करता है पी क्यू इंटरवल। ओके, क्यू आर एस, यहाँ से क्यू स्टार्ट होगा, यहाँ आर, यहाँ एस। ओके, तो क्यू आर एस वेव जो है वो क्या शो करती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड आर्टेरियल रिपोलराइजेशन। नेक्स्ट होता है एस टी सेगमेंट, यहाँ पे ये शो हो रहा है एस टी सेगमेंट, ये क्या होता है, इसमें इट इज़ अ टाइम विच टेक्स टू एम्प्टी द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स को एम्प्टी करने में जितना जो टाइम लग रहा है बिफोर द रिपोलराइजेशन वो कहलाता है एस टी सेगमेंट। ओके, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऐसे शो करते हैं कि अगर ये जो इनकी एग्जैक्ट कोई वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, डिफरेंट हार्ट कंडीशंस हो, तो ये वैल्यूज़ जो हैं वो डिफर करती हैं। ओके, तो रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ECG या EKG भी कहते हैं। अगर EKG ऑप्शन में आए तो आप कन्फ्यूज मत होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन इन्वॉल्व इन प्यूबर्टी आर एक्सेप्ट। इनमें से सभी हार्मोन्स जो हैं प्यूबर्टी में इन्वॉल्व होते हैं एक्सेप्ट। तो थायरोक्सिन इन्वॉल्व होता है, लेप्टिन इन्वॉल्व होता है, ग्रोथ हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है इन प्यूबर्टी, बट ग्लूकेगॉन इज द एक्सेप्शन फॉर हार्मोन इन्वॉल्व इन प्यूबर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड रिजल्ट इन। अगर एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई है तो इनमें से कौन सी डिसीज़ हो जाएगी? तो इसका आंसर है स्कर्वी। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड मींस विटामिन सी की डेफिशिएंसी। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी। तो इसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इससे सबसे ज़्यादा कौन सी डिसीज़ होती है, स्कर्वी, और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो इसको आप एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, शेड्स, एस मीन्स स्किन डिस्कलरेशन एंड ब्रूजिंग, एच मीन्स हीमोरेज यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ए मीन्स एनीमिया, डी मीन्स डेंटल इश्यूज, ई मीन्स एग्जॉशन ऑफ फटीग,
एस मीन्स स्वेलिंग्स ऑफ जॉइंट्स. ओके, तो नॉर्मल पर्सन में क्या होता है कि ये गम्स एकदम हेल्दी दिखते हैं, लेकिन इन स्कर्वी में क्या होता है, ये ब्लड दिखने लगता है और गम्स जो है स्वेलिन हो जाते हैं. ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड रिजल्ट इन स्कर्वी. इन्फेक्शन इन डेंजरस एरिया ऑफ फेस यूजुअली लीड्स टू, अगर इन्फेक्शन होगा डेंजरस एरिया ऑफ द फेस का तो उसके कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसका आंसर है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. ओके, तो ये होता है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ये है डेंजरस एरिया ऑफ द फेस, जिसमें कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एंगल ऑफ द आई से, जो नोज से होता हुआ जाता है बेस ऑफ द लिप. ओके, बेस ऑफ द अपर लिप, एक्चुअली यहाँ तक बस होगा. ओके, तो ये आएगा बेस ऑफ द अपर लिप, इससे बनता है ये ट्रायंगुलर, क्योंकि ये दोनों साइड से जाता है तो एक ट्रायंगल बन जाता है. एंड इट इज़ ड्रेन बाय फेशियल वेन. ओके, ये किससे ड्रेन होता है, फेशियल वेन से. तो अगर इन्फेक्शन हुआ ट्रायंगुलर एरिया में तो क्या होगा, तो अगर ये ट्रायंगुलर एरिया में जिसे डेंजरस एरिया ऑफ फेस कहते हैं, अगर यहाँ इन्फेक्शन होगा तो फेशियल वेन से जो है वो कम्युनिकेट करता है कैवर्नस साइनस तक. तो फेशियल वेन से टू वे से इन्फेक्शन हो सकता है कैवर्नस साइनस में. पहले क्या होगा, या तो फेशियल वेन से इन्फेक्शन सुपरा ऑर्बिटल एंड सुपीरियर ऑप्थैल्मिक वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनस तक पहुंच जाएगा, या फिर डीप फेशियल वेन्स के थ्रू टेरिगॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स, और वहाँ से इमिशरी वेन, और इमिशरी वेन से होता हुआ कैवर्नस साइनस तक पहुंच जाएगा. ओके, मतलब अल्टीमेटली कैवर्नस साइनस तक इन्फेक्शन पहुंच ही जाएगा अगर डेंजरस एरिया ऑफ फेस पे इन्फेक्शन हुआ है तो. किसके थ्रू, फेशियल वेन के थ्रू. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इन्फेक्शन इन डेंजरस एरिया ऑफ फेस यूजुअली लीड्स टू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल मैनिफेस्टेशन ऑफ HIV इन्फेक्शंस. तो इसका आंसर है बोथ ओरल कैंडिडियासिस एंड लीनियर जिंजिवल एरिदमा. ओके, तो ये जो है ये लीजन्स है स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड होते हैं विद द HIV इन्फेक्शन. पहला होता है कैंडिडियासिस, जिसमें स्यूडो मेम्ब्रेनस हो सकता है ये, या एरिदमेटस हो सकता है. ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, कपोसी सार्कोमा, पेरियोडोंटल डिसीज, लीनियर जिंजिवल एरिदमा, नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, ये नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव पेरियोडोंटाइटिस. ओके, ये सारे जो हैं ओरल मैनिफेस्टेशन है HIV इन्फेक्शन के. तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसलिए इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्वियोलाइटिस सिक्का डोलोरोसा इज ऑल्सो नोन एज. तो एल्वियोलाइटिस सिक्का डोलोरोसा के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ड्राई सॉकेट. तो इसमें क्या होता है, इसे ड्राई सॉकेट क्यों कहते हैं, तो क्या होता है कि जब ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन होता है, ये नॉर्मल टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे क्या होता है कि पहले ब्लड क्लॉट बनने लगता है, लेकिन अगर वो ब्लड क्लॉट लॉस हो जाए या डिसइंटीग्रेट हो जाए तो वहाँ पे बोन एक्सपोज हो जाती है फ्रॉम द सॉकेट. ओके, तो इसके कारण वो ड्राई हो जाता है, वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए थोड़ा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है ड्राइनेस हो जाती है, बोन दिखने लगती है और वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए इसे ड्राई सॉकेट बोलते हैं. ओके, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड क्लॉट था वो लॉस हो गया है या डिसइंटीग्रेट हो चुका होता है. ओके, ड्राई सॉकेट के और क्या क्या नाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एल्वियोलाइटिस सिक्का डोलोरोसा, डेंटो एल्वियोलर ऑस्टाइटिस, एल्वियोलर ऑस्टाइटिस, एल्वियोलाइटिस फोकल ऑस्टियोमेलाइटिस विदाउट सप्रेशन, एल्वियोलेल्जिया, एल्वियोलाइटिस सिक्का डोलोरोसा एंड एल्वियोलर पेरियोस्टाइटिस. ये बहुत सारे नाम है ड्राई सॉकेट के, ये सभी आपको याद होने चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबिंग डेप्थ ऑफ अ क्लिनिकली नॉर्मल जिंजाइवल सल्कस. तो नॉर्मल जिंजाइवल सल्कस की प्रोबिंग डेप्थ क्लिनिकली कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है 2 to 3 mm. तो प्रोबिंग और क्लिनिकल प्रोबिंग डेप्थ इज डेप्थ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोब एंड इट इज 2 to 3 mm इन नॉर्मल. ओके, जिंजाइवल सल्कस इन ह्यूमंस. एंड इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन अगर डेप्थ देखी जाए तो 1.8 mm विथ वेरिएशन फ्रॉम 0 to 6 mm. ओके, 0 to 6 mm हो सकती है एंड वेरियस वेरिएशंस में. ओके, अदरवाइज ये 2 to 3 mm होती है जिंजाइवल सल्कस की प्रोबिंग डेप्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस आर.
और इसका एक्सेप्शन क्या है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस के, वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। तो पहले माइक्रोवास्कुलर होता है क्या है, तो माइक्रोवास्कुलर एक्चुअली क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स स्मॉल वेसल्स जैसे कि कैपिलरीज, और मैक्रोवास्कुलर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स लार्ज वेसल्स सच एज आर्टरीज एंड वेन्स। तो माइक्रोवास्कुलर में क्या क्या होता है, माइक्रो टाइप टू डायबिटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो माइक्रोवास्कुलर में होता है रेटिनोपैथी हो जाता है, किडनी में नेफ्रोपैथी हो जाता है, और न्यूरोपैथी। ये नॉर्मली माइक्रोवास्कुलर्स की कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस में। जबकि माइक्रोवास्कुलर में कौन कौन माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस कौन से होते हैं, कार्डियोवास्कुलर्स, सेरिब्रोवास्कुलर एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़। ओके, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं टाइप टू डायबिटीज़ मेलाइटिस के। तो अपन को लेकिन इसका एक्सेप्शन बताना है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें ऑप्शंस क्या है, रेटिनोपैथी, माइक्रोवास्कुलर डिसीज़, अल्टर्ड वुंड हीलिंग है, ओके, एंड जॉइंटिस। तो ये मैंने आपको बता ही चुका है कि रेटिनोपैथी हो जाती है, या कैटरेक्ट या ग्लाकोमा हो जाता है इसमें, किडनी में नेफ्रोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो जाती है, ओके, और यहाँ पे ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक वाली प्रॉब्लम हो जाती है ब्रेन में। और एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो उसमें क्या होगा, जो वुंड्स होते हैं फीट के, ये सब जो है वो हील नहीं होते हैं, ओके, ईजिली टाइम हो जाता है, अदरवाइज ये गैंग्रीन में चेंज हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कंडीशन को, ओके। तो ये आपको सारे ऑप्शंस में कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, रेटिनोपैथी भी शो हो रहा है, माइक्रोवास्कुलर डिसीज़ भी हो रहा है, अल्टर्ड वुंड हीलिंग भी हो रही है, बट एक ही एक्सेप्शन है, जॉइंटिस, ओके। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस अब आपको पता हो चुके हैं, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर, और इसका एक्सेप्शन क्या होगा, जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्बेक्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, बर्बेक्स ग्रेन्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बर्बेक्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लैंगरहैंस सेल्स में, ओके। बर्बेक्स ग्रेन्यूल्स जो हैं ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं विद बल्बस एक्सपेंशन एट वंस। तो ये कैसे दिखते हैं, टेनिस रैकेट की तरह दिखाई देते हैं, और ये कंटेन करते हैं लैंगरीन, ओके। बर्बेक्स ग्रेन्यूल्स क्या कंटेन करते हैं, लैंगरीन करते हैं, और ये एक्चुअली डिस्कवर किसने किया था, डॉक्टर माइकल बर्बक ने, इसलिए उन्हीं के नाम पे ये बर्बेक्स ग्रेन्यूल इनका नाम पड़ा है, ओके। और ये होता किसमें है, ये एक्चुअली होता है लैंगरहैंस सेल्स हिस्टियोसाइटोसिस डिसऑर्डर में होता है, जिसमें डैमेज टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, और ये जो कंडीशन है वो एक प्लेस से, बॉडी के एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने लगती है, और पूरी बॉडी में इन्फेक्ट मतलब फैलते जाता है, ओके। तो ये जो लैंगरहैंस सेल्स जो हैं, ये एक टाइप की डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं, जो कि फाइट मतलब इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए होती हैं, और उसमें ही एक बर्बेक्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंग इज फॉर्म्ड बाय, तो ये मैं आपको बताती हूँ, टंग जो है वो कब फॉर्म्ड होती है, तो टंग जो डेवलप ड्यूरिंग 4 to 8 week ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट में होता है। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि टंग डेवलप कब होती है, 4 to 8 week में, ओके, प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि इट डेवलप्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट स्वेलिंग्स फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट 4 ब्रिंकल आर्चेस, तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ब्रिंकल आर्च इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ टंग, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, टंग इज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ब्रिंकल आर्च, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल ओपनिंग ऑफ ब्रिंकल फिस्टुला इज लोकेटेड एट, तो इंटरनल ओपनिंग ऑफ ब्रिंकियल फिस्टुला, तो ब्रिंकियल फिस्टुला जो है ये यहाँ पे होता है, एक मिनट, हाँ, ओके। तो ब्रिंकियल फिस्टुला ये है, और इसकी दो ओपनिंग होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है ये कहाँ होती है, स्किन ऑफ द नेक पे, और जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो टॉन्सिलर साइनस पे, ये अगेन मैं शो करती हूँ, ये ओके, टॉन्सिलर साइनस पे इसकी इंटरनल ओपनिंग होती है, ओके। तो इसका आंसर होगा फोसा ऑफ टॉन्सिल, ठीक है। तो इंटरनल ओपनिंग ऑफ द ब्रिंकियल फिस्टुला कहाँ होगी, फोसा ऑफ टॉन्सिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द स्ट्रक्चर दैट डज नॉट ट्रेवल थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड. ऑप्शन हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. तो मैं आपको बता देती हूँ, सबसे पहले इसमें पैरोटिड ग्लैंड का ये होता है ग्रैंड, पैरोटिड ग्लैंड का ये होता है एपेक्स, ये होता है इसका बेस, ये होता है इसकी एंटीरियर बॉर्डर और ये इस साइड होती है पोस्टीरियर बॉर्डर. ओके, तो अब मैं सारे स्ट्रक्चर्स आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है इसमें. तो बेस में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं यहाँ बताती हूँ आपको. टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल. ओके, फिर इसके बाद आता है एपेक्स. तो एपेक्स में कौन कौन से आते हैं, सर्वाइकल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन. ओके, ये आ गया एपेक्स में. अब एंटीरियर बॉर्डर में क्या क्या आता है, जाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, अपर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, पैरोटिड डक्ट एंड लोअर बक्कल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व एंड मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. और पोस्टीरियर बॉर्डर में कौन कौन सी आएगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन. ओके, तो अब अपने ऑप्शन एक बार और देखना है कि द स्ट्रक्चर दैट डज नॉट ट्रेवल थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड. तो अपन को ये तो ये आपको मैंने बताया सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये है एक मिनट, ये है ओके, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी यहाँ है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ओके, और यहाँ पे होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पीछे. ओके, तो सिर्फ एक नहीं होता है पैरोटिड ग्लैंड में, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, द स्ट्रक्चर दैट डज नॉट ट्रेवल थ्रू द पैरोटिड ग्लैंड इज इंटरनल कैरोटिड. नॉर्मल बट द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल टू कैरी O2 इज रिड्यूस्ड इन. तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें आर्टीरियल PO2 जो है वो नॉर्मल होगा, ठीक है, बट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो जो ऑक्सीजन को ले जा रहा है वो लेस होगा. ओके, तो इसका आंसर है अनीमिया. इन अनीमिया देयर इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल टू कैरी ऑक्सीजन. तो क्या होगा, जब अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि ऑक्सीजन जितनी आर्टरी में प्रेजेंट होगी वो उससे कम जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो अमाउंट में रिड्यूस हो गया. ओके, तो ये किस में होता है, अनीमिया में. तो देयर इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन अवेलेबल टू कैरी ऑक्सीजन विच कैन रिजल्ट इन नॉर्मल आर्टीरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. नॉर्मल रहता है आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर बट रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. बस जो कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन कैरिंग की वो रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ लोअर हीमोग्लोबिन लेवल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिकर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरॉन. इनमें से कौन सा टेस्टोस्टेरॉन का प्रिकर्सर है, तो इसका आंसर है प्रेग्निनोलोन. द कंसेंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन फोर ऑफ इट्स प्रिकर्सर. तो इसके फोर प्रिकर्सर्स होते हैं प्रेग्निनोलोन, प्रेग्निनोलोन प्रोजेस्ट्रॉन, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एंड एंड्रोस्टिनेडियोन एंड 3 इसके मेटाबोलाइट्स होते हैं. ओके, 5 अल्फा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरॉन, 5 अल्फा एंड्रोस्टेन, 3 अल्फा एंड 17 बीटा डायोल एंड एंड्रोस्टेरॉन. ओके, तो प्रिकर्सर ऑफ टेस्टोस्टेरॉन में क्या है, प्रेग्निनोलोन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ सीमेंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट. इनमें से कौन सा प्रोटीन जो है वो रिक्वायर होता है फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ सीमेंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट. तो इसका आंसर है ऑस्टियोप्रोटीन. ऑस्टियोप्रोटीन इज हाईली फॉस्फोराइलेटेड साइलोप्रोटीन दैट इज प्रोमिनेंट को कंपोनेंट ऑफ द मिनरलाइज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ बोन एंड टीथ. ओके, मींस टीथ और जो बोन्स है वो तो सीमेंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट और फाइब्रोब्लास्ट से ही बनती है. तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑस्टियोप्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ द सीमेंटोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट एंड फाइब्रोब्लास्ट. और इसे क्या बोलते हैं, साइलोप्रोटीन 1. ओके, बोन साइलोप्रोटीन 1. पॉपकॉर्न सेल कहाँ दिखाई देती हैं, तो पॉपकॉर्न सेल्स आर सीन इन हॉजकिंस लिम्फोमा. क्वेश्चन है नॉट अ राउंड सेल ट्यूमर. इनमें से कौन सा राउंड सेल ट्यूमर नहीं है, तो इसका आंसर है
लियोमायोमा। लियोमायोमा जो है वो यूट्रस का ट्यूमर होता है। ओके तो इसका आंसर क्या हुआ, नॉट अ राउंड सेल ट्यूमर इज लियोमायोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेंटल सीमेंट रिलीज फ्लोराइड, तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोक्सीलेट सीमेंट रिलीज फ्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमल टाइम टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव, तो ये मैं आपको पूरा शो करती हूँ, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है ऑटोक्लेव को स्टरलाइजेशन के लिए। तो टेम्परेचर चाहिए होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 IBS पर स्क्वायर इंच प्रेशर, होल्डिंग टाइम 15 मिनट्स। ओके तो ये इसका आंसर होगा। ओके और अदर में अगर देखा जाए तो 126 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स, 133 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 3 मिनट। अगर टेम्परेचर आपने हाई किया है तो वो 10 मिनट्स के लिए होगा, और अगर 133 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा है तो वो 3 मिनट के लिए रखना होगा। ओके तो अब ऑटोक्लेव का यूज़ किस लिए किया जाता है, इट इज़ यूजफुल फॉर मटेरियल विच कैन नॉट विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। ओके टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया, रबर मटेरियल, गाउन्स, ड्रेसिंग एंड ग्लव्स। ओके तो क्वेश्चन क्या है, द ऑप्टिमल टाइम टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर स्टरलाइजेशन इन एन ऑटोक्लेव, तो कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट्स के लिए, 15 IBS प्रेशर फॉर द चैम्बर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ आर्टीरियर फिब्रिलेशन, इनमें से कौन सा आर्टीरियर फिब्रिलेशन का कॉज नहीं है, तो ये सारे कॉज हैं आर्टीरियल फिब्रिलेशन के, ये मैंने आपको शो कर दिया है। पहले अपन इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज, चेस्ट इन्फेक्शन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आर्टीरियल फिब्रिलेशन के कॉजेज देखें तो ये है कार्डियोवास्कुलर कॉज, सिस्टमिक कॉज एंड अदर कॉज। तो ये जो ऑप्शंस दिए हैं सारे सिस्टमिक कॉज के दिए हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और चेस्ट इन्फेक्शन कहीं भी नहीं है, अदर कॉजेज में भी नहीं है और कार्डियोवास्कुलर में भी नहीं दिया हुआ है। ओके तो इसका क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ आर्टीरियल फिब्रिलेशन, तो इसका आंसर होगा चेस्ट इन्फेक्शन इज नॉट अ कॉज ऑफ आर्टीरियल फिब्रिलेशन। क्या क्या कॉज है, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दीज आर द सिस्टमिक कॉज ऑफ द आर्टीरियल फिब्रिलेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन इज अ मार्कर ऑफ, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन इनमें से किस डिसीज का मार्कर है। ओके तो बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन जो है वो किसके लिए है, मल्टीपल माइलोमा के लिए है या लिम्फोमा के लिए है जो कि एक कैंसर होता है। ओके उसमें ब्लड सैंपल लिया जाता है, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन जो है ये लो मॉलिकुलर वेट प्रोटीन होता है जो कि न्यूक्लिएटेड सेल के सरफेस में मिलता है। ओके और अगर इसका लेवल जो है मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट में इंक्रीज्ड हो गया है तो इट मींस पुअर प्रोग्नोसिस है, अगर ये इंक्रीज्ड हो गया है तो पुअर प्रोग्नोसिस है। तो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन इज अ मार्कर ऑफ मल्टीपल माइलोमा या फिर हो सकता है लिम्फोमास। ओके अगर कभी मल्टीपल माइलोमा की जगह लिम्फोमा ऑप्शन में आया तो आप वो भी लगा सकते हैं, टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होल इन गोल्ड क्राउन इज मेड फॉर एंडोडोंटिक प्रोसीजर आफ्टर फ्यू मंथ्स अमलगम रेस्टोरेशन डन टू कवर द होल शोज डिसकलरेशन व्हाई, तो इसका आंसर है गोल्ड एक्ट एज एनोड एंड गोल्ड क्राउन वुड एक्ट एज एनोड एंड इट कैन कॉजेज गैल्वेनिक कोरोजन, ये क्या करा देता है, गैल्वेनिक कोरोजन करा देता है व्हेन इट कॉन्टैक्ट विद द अमलगम रेस्टोरेशन विच लीड्स टू डिसकलरेशन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन इज डन आफ्टर इनिशियल कोरोनल प्रिपरेशन, इनमें से कौन सी कोरोनल प्रिपरेशन की टेक्निक है जिसमें वर्किंग लेंथ जो है इनिशियली ही चेक कर ली जाती है, तो स्टेप डाउन टेक्निक, स्टेप बैक टेक्निक, क्राउंड डाउन टेक्निक या बैलेंस फोक टेक्निक, तो इसका आंसर है स्टेप डाउन टेक्निक। इन दिस टेक्निक में क्या होता है, गेट्स क्लेडन ड्रिल किया जाता है विद द लार्जर साइज फाइल से, फिर इसके बाद कोरोनल 2/3 तक रूट कैनल के कोरोनल 2/3 तक लार्जर साइज यूज़ की जाती है देन स्मॉलर की जाती है, कब तक, जब तक कि डिजायर वर्किंग लेंथ अचीव ना हो जाए। ओके तो इसलिए वर्किंग लेंथ जो डिटरमाइन की जाती है वो किस में की जाती है, स्टेप डाउन टेक्निक में, और इसका मेन
इसमें एडवांटेज क्या होता है, एक्चुअली स्टेप बैक टेक्निक का डिसएडवांटेज है ये कि जो डेब्रीज जो है वो एपाइकली जो है वो वहाँ पे करता जाता है, तो एपाइकली वो जो है फंस जाता है वहाँ पे, ओके ये, जबकि स्टेप ये यहाँ पे ये शो हो रहा है आपको, जबकि स्टेप डाउन टेक्निक में जो है ये प्रॉब्लम नहीं आती, डेब्रीज नीचे नहीं जाता है, वो क्लिनिकली एकदम क्लीन हो जाता है, ओके तो ये डिसएडवांटेज है स्टेप बैक टेक्निक का, जबकि स्टेप डाउन में ये इसका एडवांटेज है, ओके तो इसका आंसर क्या होगा, वर्किंग लाइन डिटर्मिनेशन इज डन आफ्टर इनिशियल कोरोनर प्रिपरेशन इन स्टेप डाउन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लोराइड फॉर 6 मंथ ओल्ड बेबी लिविंग इन एरिया वेयर फ्लोराइड इन वाटर इज लेस देन 0.3 ppm? तो इसका आंसर क्या होगा, 0 mg। तो फॉर इन्फेंट्स और अंडर 6 मंथ ऑफ एज इट इज़ जनरली रिकमेंडेड नॉट टू प्रोवाइड फ्लोराइड सप्लीमेंट्स, ओके स्पेशली इफ द फ्लोराइड कंटेंट इन वाटर सप्लाई इज लेस देन 0.3 ppm है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क और इन्फेंट फार्मूला में क्या होता है, टिपिकली प्रोवाइड द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स फॉर द इन्फेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फिर इसलिए क्या हुआ कि ADA ने, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने या अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, इन्होंने रिकमेंड किया कि अवॉइड फ्लोराइड सप्लीमेंट्स इन इन्फेंट्स यंगर देन 6 मंथ ओल्ड। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 mg, ओके तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76 से। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, ताकि आपको टाइम से मिलता रहे नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।